और उसके बाद 8 बजे तेरे को पता है तब से उठा हुआ 4 घंटे की नींद आंखें देखी हुई गोलू तेरे को तो पता अभी नहीं चलता 3-4 जब से मैं हॉस्पिटल से आई हूँ ना इन बच्चों को रात में उठ उठ के मैं संभालती हूँ तीनों को। अच्छा तू जो 3 दिन हॉस्पिटल गई है 4 बच्चे पीछे से मैंने संभाले वो गिनवा नहीं रही मैं तुम गिनवा मत ना गिनवा मत मुझे तो ऐसा कर एक काम कर तू एक काम कर जैद को लेके दूसरे फ्लैट में 1 महीना लगा के देख मुझे मत सिखा मुझे मत सिखा मैंने जब 3 बच्चे संभाले थे जब तू हॉस्पिटल थी ना चारों के चारों 3 के 4 बच्चे संभाले थे मैंने उफ तक नहीं करी और अभी जब मैं सोने जा रही हूँ तेरे को भी सोना इस टाइम पे यार मानती हूँ पर चल ठीक है मैं शिफ्ट हो जाऊंगी पर तेरे पे थोड़ी सी दया कर देती हूँ तू 4-3 बच्चे संभाल नहीं पाएंगी इतनी एक काम कर अयान और तुबा में से एक बच्चा मुझे दे दे अयान को ले ले ठीक है मैं अयान को ले जाती हूँ और मैं शिफ्ट हो जाती हूँ जैद और अयान के साथ मैं भी देखती हूँ कि तू कितना संभाल पाती है मैं कितना संभाल पाती हूँ ठीक है देख तुझे फिर मेरी अहमियत का पता चलेगा कि मैं जो कर रही हूँ ना पर बहुत सही कर रही हूँ मैंने करवाया मुझे मत बता मैं हो जाऊंगी शिफ्ट 7 बजे घर में कोई दिक्कत नहीं है जैद लड़ क्यों रही है मैं तो बहुत प्यार से बोल रही हूँ मेरे भी लड़ने का मूड नहीं है मेरी तबीयत ऑलरेडी खराब है और मन खराब मैं तो लड़ ही नहीं रही मैं तो प्यार से बोल रही हूँ जा फिर क्योंकि देखो भी लगता है कि सामान बांध यहाँ से जा मैं बांध लूंगी मेरा ज्यादा सामान नहीं है जा अयान जय बेटू आज से ना मैं आपको संभालूंगी पूरा अच्छे से केयर करूंगी मम्मा को लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकती मम्मा को ये लगता है कि पायल ही है सब कुछ वो ही संभाल सकती है मैं तो बेवकूफ हूँ है ना नहीं कर रही हूँ मैं बोलूँ सच बोल रही हूँ मैं पायल देख मैं पहले रिस्पॉन्सिबल नहीं थी पर जब से मैंने जैद हुआ है तब से मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गई हूँ मैंने 3 दिन बच्चे ऐसे संभाले थे को 1 सेकंड भी नहीं बताया कि मैं किस तकलीफ से गुजरी हूँ और एक एक दिन में एक एक रात ऐसी गई है मैं एक एक घंटा सोई हूँ मैं 3 दिन के अंदर चला देख लेंगे महीना भर देख ना तेरी भी जो आंखें ना खुल जाएगी कि मैं संभाल सकती हूँ ठीक है ना 1 महीना करके देखते हैं पहले ठीक है चीकू का स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी वो मैं संभाल लूंगी हाँ दोनों बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी फिर मैं इसे ना इंटरफेयर मत करियो ये बच्चा रो क्यों रहा है वो क्यों कर रहा है बच्चे है जो भी करूँ मैं कर लूंगी ठीक है ना तेरा घर अलग मेरा घर अलग अगर तुम अलग अलग रहोगे ना मेरी दुर्गति हो जाएगी कभी मैं तेरे पास आऊंगा कभी इसके पास आऊंगा एक बार बोलू हाँ। वैसे तो एक बोलनी नहीं चाहिए आपको 6 साल पता नहीं चला हम दोनों साथ रहते हैं हमने कभी आपको किसी चीज के लिए कंप्लेन नहीं करी कुछ नहीं करी आपने 2 शादियां की है ना तो आपको भुगतना चाहिए इस चीज के बारे में आपको होना चाहिए एहसास की कैसे रखते हैं 2 बीवियां तो फिर मैंने क्या दिक्कत कर दी मैं तो बहुत अभी तक तो आपको एहसास ही नहीं हुआ कि 2 बीवी अभी आपको यही एहसास था 5 साल पहले एहसास हो गया था मुझे एक बार अब दोबारा एहसास कर लो इतना तो होना चाहिए ना कि यार एक भी नाराज तो नहीं है क्योंकि हम दोनों साथ रहते हैं आपको पता नहीं चलता आपको अलग अलग मिलना नहीं होता वापसी आपको अलग अलग मिलना पड़ेगा यहाँ पे लंच करना पड़ेगा यहाँ पे डिनर एक काम करते हैं गाइस आप कमेंट करके बताना देखो जितनी दोनों साथ में अच्छी लगती है ना अलग अलग में ना दिक्कत हो जाएगी बहुत सारी और गोलू तू नहीं संभाल पाएगी 2 बच्चे एक साथ अरे आप ना पायल की साइड ही लेती हूँ हमेशा मैंने देखा है आपको नहीं पता मैं 4 बच्चे संभाल सकती हूँ मैंने 3 बच्चे 3 दिन के लिए संभाले इसका मतलब मैं संभाल सकती हूँ रहने दे इस वहम में मत रह पायल समझा दे इसको कोई बात नहीं वहम टूटते में ज्यादा देर नहीं लगती पता तो लगे भागी भागी आए पायल छोड़ जो हुआ सो हुआ खत्म करते एक साथ रहते देखो एक तो मैं इसकी सहायता कर रही हूँ एक तो मैं इसकी सहायता कर रही हूँ चल मैंने कहा चल कंपटीशन अगर हो ही रहा बच्चे संभालने का तो इक्वल होना चाहिए एक काम करो 1 महीना बहुत ज्यादा होगा तुम 10-10 दिन अलग रह के देख लो अरे मैं 10 दिन गया मैं तो 100 दिन रह लूँ तू रह तो सही चल ठीक है ज्यादा मत बकवास कर बहुत देर होगी तेरी गले फाड़ते फाड़ते मैं इतनी प्यार से बोल रही हूँ चिल्लाए पे चिल्लाई जा रही है मेरी बीमारी का फायदा उठा रही है मैं खुश लग रही है कौन मैं हाँ मैं खुश हूँ तो गाइस लास्ट टेक जब लिया था ना उसके बाद हम लोग सो गए थे मैं गोलू और हमारे साथ सो गई थी तूबा और इतनी अच्छी नींद आई हमने मतलब 2 घंटे मतलब जब से प्रेगनेंसी मतलब जब से बच्चे हुए हैं ना तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने दोपहर में अपनी नींद पूरी करी है बहुत अच्छे से और नींद पूरी करने के बाद अब जस्ट